हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या रहेगी हमारी कोर्स टाइमलाइन, ताकि हम सीरियसली एक अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिली है पंजाब पीसीएस बनने की और रैंक लेने की, तो कैसे हम एक रैंक ले सकते हैं गिवन टाइम फ्रेम में। दोस्तों, बात एक जानने वाली जरूरी है कि अभी एग्जाम 100 या 100 प्लस डेज के आसपास अभी थोड़ा दूर है, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली हमें कुछ चीजें ऐसी पहले शुरुआत कर लेनी चाहिए जहां पर हमें जिनको हमें एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सबसे पहली बात, जैसे जो आपके जीएस के पेपर में मेजॉरिटी आपका जो जीएस है वो यूपीएससी में जो आप जीएस पढ़ते हैं उसके साथ ओवरलैपिंग जीएस है। ठीक है, 80-85 क्वेश्चंस हमारे वही यूपीएससी ओरिएंटेड, जो यूपीएससी से जो मैच करती है जीएस, वही जीएस से आएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि इस जीएस को हम एब्जॉर्ब करें, इस जीएस को हम टोटली मास्टर करें, और ऐसा कोई भी कंपोनेंट, कोई भी टॉपिक ना रहे इस जो यूपीएससी जीएस में जहां पर हम किसी से पीछे रह जाएं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा कोर्स में हमने सबसे पहले, मैं आपको टाइमलाइन में दिखाऊंगा, हमारे कोर्स में हमने सबसे पहले आपको पूरा का पूरा जीएस का कोर्स अवेलेबल करा दिया। बहुत डिटेल्ड कोर्स है दोस्तों, रैंक लिया है दो लोगों ने कोर्सेज को फॉलो करके। अब वक्त है, अगर आप सीरियस हैं तो आप ऐसे एक चीज पर रिलाई कीजिए और ऐसे एक कंटेंट पर रिलाई कीजिए जहां पर डेप्थ है, जहां पर हम वेरियस क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चीजों को हम थोड़ा गहराई में जाएं एंड क्वेश्चन मिस ना करें। 80-85 के आसपास जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन 60-65-70 के आसपास क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएं, ताकि हम जीएस में भी एज लें, क्योंकि बहुत सारे लोग सीसैट पे एज लेने की ट्राई करेंगे। हम जीएस को एक काम करते हैं, डेप्थ में कवर किया है तो उसको हम यहां पर अपने वीडियोस जो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं डे वन पर ही, उसी के थ्रू आप जीएस मजबूत करें। ओके, उसके पहले लेकिन एक सीसैट, आपको डर सताता है सीसैट का, उसके कोर्स की टाइमलाइन एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमारे सीसैट के कोर्स के लेक्चर्स आने वाले हैं, ताकि हम सीसैट पर एडिक्वेट मेहनत कर सकें। जो मार्क्स यहां पे काउंट होते हैं कट ऑफ के लिए, उन मार्क्स को हम मैक्सिमाइज कर सकें। 200 में से लास्ट टाइम 194 तक मार्क्स लिए, आपने शायद वीडियो देखा भी होगा रैंक 4 का, जो रैंक 24 में उन्होंने 194 मार्क्स लिए थे लास्ट टाइम सीसैट में। तो ऐसे ही आपने और बच्चों के जो वीडियोस देखे, सभी आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि सीसैट में हमें स्कोर मैक्सिमाइज करके जीएस की तरफ जाना है, क्योंकि जीएस बहुत टाइम लेती है, सीसैट रिलेटिवली कम टाइम में ज्यादा स्कोर दे देता है, लेकिन जीएस गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले सीसैट की टाइमलाइन देखो यहां पर। ओके, सबसे पहले हमने अभी जो शुरू कर दिया है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 10 जून को क्लासें शुरू हो चुकी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां पर हम हर एक चीज को, देन उसके बाद हम हर एक चीज को ब्रेक करते जा रहे हैं। जैसे अब 22 जून को लॉजिकल रीजनिंग डेटा एनालिसिस आ जाएगा, देन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन 6 जुलाई के आसपास पहुंचकर हम पंजाबी अपनी कवर करने शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान देनी है यहां पर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हमें चीजों के जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो हम तब तक हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। हर एक क्लास को, चाहे अभी जैसे क्वांट की क्लासेस चल रही है, उसमें आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लास मिलती है, कॉन्सेप्ट क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। दोनों सर दोनों ही चीजें साथ साथ पैरेलली सॉल्व करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। दोस्तों, कंटेंट आपको चाहिए, कंटेंट के साथ आपको कंटेंट में डेप्थ चाहिए, वही ट्राई कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब वीडियोस हो, हमारे पेड कोर्सेज हो, हमारे टेस्ट सीरीज हो, सभी जगह एक चीज जो कंसिस्टेंटली जो हाई रहती है, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अगर हमें बेस्ट से कॉम्पीट करना है, टॉप रैंक निकालने है, तो क्वालिटी में हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। ओके, देन जीएस की टाइमलाइन देखते हैं। दोस्तों, जीएस की टाइमलाइन में जो आपको जीएस का कंप्लीट यूपीएससी वाला कोर्स, जो यूपीएससी जिसमें 80-85 क्वेश्चन देखेंगे, आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है, ताकि आप अपनी स्पीड से काम शुरू कर दें पढ़ाई करना। 15 जून से पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट पूरी अवेलेबल करा दी जाएगी, एंड देन 22 जून को कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्म चैलेंजेस टू इंडियन स्टेट आ जाएगा। देन हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून हम पंजाब बेस्ड जीके कवर करना शुरू कर देंगे, एंड देन बेसिक साइंसेज। लेकिन ध्यान रहे, सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी 80-85% हमारा जो ओवरऑल देखें अगर एग्जाम यहीं से आएगा, तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये अवेलेबल करा दिया गया है, कंप्लीट पूरा, पूरी इकोनॉमी, पूरी पॉलिटी, पूरी इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, जो भी चीजें जो यूपीएससी में आप पढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस यूपीएससी के लिए फॉलो कर रहे हैं इसको, या अपने पीसीएस के लिए फॉलो कर रहे हैं, आपके बंडल्स में पीसीएस बंडल में अवेलेबल, इसको ढंग से कीजिए एंड यूपीएससी भी आप अच्छा अटेम्प्ट दे पाएंगे इसी के बदौलत। देन पॉलिटिकल थ्योरी 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट टाइम पूछे गए थे, कवर थे पूरे के पूरे तीनों सवाल, एक मुश्किल सवाल था वो भी हमारे कोर्स में से कवर हो रहा था। देन वर्ल्ड हिस्ट्री एक सवाल पूछा गया था, और एक सवाल रिलेटिवली थोड़ा सा ऑन द इजियर साइड था, सभी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें मुश्किल की तैयारी भी करनी होगी। पंजाब बेस्ड जीके,
कि वेरियस ज्योग्राफी कल्चरल इवेंट्स पंजाब में स्कीम्स निकलती हैं बहुत ज़्यादा। इस पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बहुत सारा एफर्ट ना लगाकर थोड़ा कम एफर्ट लगाएं तब भी हम यहाँ पर अगर हमें 10 सवाल पूछेंगे हम 8 या 9 निकाल सकते हैं। एंड देन कम्स योर बेसिक साइंसेज, बेसिक साइंसेज के कुछ सवाल जैसे लाइट की प्रॉपर्टीज एंड देन साउंड के बारे में सवाल, वो सब चीज़ें और कुछ बेसिक एल्कली क्या होते हैं, एसिड्स एक्सेट्रा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो हमने बहुत एक सीरियस कोर्स आपके लिए यहाँ बनाया है जिसमें कोर्स में जो मेजॉरिटी कॉम्पोनेंट है आपको डे वन पर अवेलेबल करा दिया गया है। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि अगर आपको पंजाब पीसीएस में रैंक निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास जो अभी दैट इज योर जीएस, ठीक है जीएस, क्योंकि बहुत से बच्चे आप सभी सीसैट करेंगे, सीसैट में बहुत जल्दी ग्रिप बननी शुरू हो जाती है, सीसैट में मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, सीसैट में पंजाबी पूछी जाती है, इसी कारण पंजाबी के 20 अगर सवाल आए तो वहां पर 20 सवालों का मतलब 2.5 मार्क्स से मल्टीप्लाई करें 50 नंबर पंजाबी में भी निकाल सकते हैं। एंड देन सीसैट में आप सडनली यू विल विटनेस कि आप 150 प्लस लेने के काबिल हो गए हैं। देन ग्रेजुअली मेहनत करते रहते हैं, ग्रेजुअली हम सवाल सॉल्व करते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, 180 के लेवल तक हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद बचता है जीएस, जीएस में सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेल करेगा जिसने डे वन से टाइम लगाया होगा। अगर आप पेपर तक पहुंचते आप जीएस ही कवर करते जा रहे हैं धीरे 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 100 दिन मिले हैं दोस्तों, 100 दिनों को मैं आपको इसलिए चाहता हूं बताना कि आप अपनी जैसे अगर आप अभी 9 या 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं प्रीलिम्स जैसे अभी सितंबर में अगर हो तो 6 घंटे के आसपास 5 से 6 घंटे आप जीएस पढ़िए। जीएस का पूरा कोर्स आपके बंडल्स में अवेलेबल है डे वन से ही, ठीक है। तो जीएस पढ़िए, अप टू डेटेड जीएस है क्योंकि अभी यूपीएससी जो साथ साथ चल रहा है बहुत से बच्चे जैसे लास्ट ईयर का रैंक 3 देखें आप, रैंक 18 देखें, रैंक 11 देखें, रैंक 24 जो भी जो स्टूडेंट हमें जानते हैं रैंक 2 भी जैसे बात करें, ये सभी अब क्या बताते हैं एक ही कॉन्स्टेंट एक थीम क्या है कि जीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे इसी कारण दे हैपन टू गेट अ रैंक इन पीसीएस, ठीक है। तो आपने ये चीजों को वीक ये चीज को बिल्कुल भी वीक नहीं होने देना, सीसैट पे स्ट्रेंथ बिल्ड करते रहेंगे पैरेलली एंड दैट इज हाउ वी कैन क्लियर प्रीलिम्स थोड़ा सा श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो जीएस में आप 6 घंटे के आसपास दिन में लगाइए, 2 से 2.5 घंटे के आसपास आप सीसैट में लगा सकते हैं जैसे भी आपको जो लगे। अगर आपका लेवल अच्छा है तो टाइम कम हो जाएगा, अगर लेवल थोड़ा बिल्ड करना है तो 2 से 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। एंड देन अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ 8-9 घंटे की पढ़ाई करें सीरियसली हम रैंक निकालने के करीब पहुंच सकते हैं। तो सीरियस एस्पिरेंट हैं, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी डिवोशन लगा रहे हैं, तो इट इज टाइम दैट यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स। ऑलराइट, तो इसीलिए सभी कोर्सेज अगर आप चाहें तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे sleepyclasses.com पर जाएंगे, sleepyclasses.com पर जाकर आपको एक टैब दिखेगा, वो टैब को क्लिक कीजिए, टैब का नाम क्या है पंजाब पीसीएस टैब। वहां पर हमारे वेरियस कोर्सेज जो भी आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ सीसैट चाहिए आपको, सिर्फ जीएस चाहिए, सभी कुछ इकट्ठा चाहिए, सुपर कॉस्ट इफेक्टिव दोस्तों 8499। बहुत सी जगहों पर तो सिर्फ 25-30 हज़ार में सिर्फ सीसैट कराया जा रहा है दोस्तों 8499। इसमें जीएसटी ऐड कर दें 18% तो 10,000 समथिंग 500 के आसपास बैठ जाता है। तो दोस्तों इतने हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपको पूरा का पूरा कोर्स कराने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों जरूरी है, ठीक है। जरूरी है कि अगर देखो अगर चीजें महंगी हो जाती हैं तो बहुत से लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फिर अपने एंड पे मेहनत करते रहते हैं। तो यही एक चीज है जहां पे आपको हम पुश भी कर रहे हैं, और मेहनत कीजिए, टेस्ट भी दीजिए, ठीक है, सीसैट पढ़िए, जीएस पढ़िए, सुपर कॉस्ट इफेक्टिव एक पैकेज बनाने की ट्राई की है ताकि मैक्सिमम लोग इसको अफोर्ड कर सकें एंड अपने पोटेंशियल को जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना अपने आप को पुश कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पोटेंशियल का फायदा निकालें, ठीक है। आप में बहुत पोटेंशियल है लेकिन राइट रिसोर्सेज नहीं है तो हम उसका फायदा नहीं निकाल पाते, सिंपल सी चीज है। इसलिए राइट रिसोर्सेज जब आपके पास पहुंच जाते हैं, मेहनत करने से आप नहीं घबराते तो रैंक निकलता है, रैंक पक्का आता है। इसीलिए मेहनत करो, 100 डेज के आसपास है, 100 डेज प्लस है, जीएस पे फोकस बनाओ, बहुत अच्छा लेवल होना चाहिए जीएस में, 120 प्लस आने चाहिए जीएस में। सीसैट में अगर आपने जीएस में 130 तक ले पाते हैं, सीसैट में आप 165-170 ले पाएं, हमारा प्रीलिम्स क्रैक होने के हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे एंड कॉन्फिडेंटली मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बस यही आपको छोटा सा एक मैसेज शेयर करना है, टाइमलाइन के बारे में बताना था ताकि और कॉन्फिडेंटली और हम एक राइट प्लान के साथ आगे बढ़ें एंड एक स्ट्रांग फुटिंग पर प्रीलिम्स क्रैक करें। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय।